नमस्कार, मैं डॉक्टर जेके और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ अवेयरनेस विद जेके। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि डायबिटिक पेशेंट को काजू खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, डायबिटिक पेशेंट के लिए काजू लाभदायक है या नुकसानदायक है, तथा कैश्यू नट जो होता है उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल और इम्पॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। तो जैसा कि हम बताएं कि काजू से डायबिटीज़ में कुछ फ़र्क पड़ता है, हमारी शुगर बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, यही आज की वीडियो में हम बताएंगे। देखिए क्या होता है कि डायबिटीज़ का बढ़ना और घटना डिपेंड करता है कि जो चीज़ हम खा रहे हैं उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। यानी डायबिटीज़ में यदि हम काजू ले रहे हैं तो उसका ग्लाइसीमिक लोड क्या है, ग्लाइसीमिक इंडेक्स क्या है, उसमें फैट कितना होता है, प्रोटीन कितना होता है, कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, फाइबर कितना होता है। तो काजू 100 ग्राम काजू को यदि लेके चलते हैं तो 100 ग्राम काजू में हमारे फैट 44% रहता है, प्रोटीन जो होता है 18% रहता है यानी 18% रहता है, कार्बोहाइड्रेट उसमें 30% होता है, और उसका ग्लाइसीमिक लोड जो होता है वो 7.5 और ग्लाइसेमिक इंडेक्स 25। तो हम एक देखा जाए तो हमें काजू हम ले सकते हैं 100 ग्राम काजू का मैं न्यूट्रिशनल वैल्यू आपको बताया हूँ, 100 ग्राम काजू कोई नहीं लेता है। काजू हमें पूरे दिन में 5 से 10 काजू पर्याप्त रहते हैं। यदि हम डेली 5 काजू यूज करें तो उससे हमारे डायबिटीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी ग्लाइसेमिक लोड 7.5 है तो हमारा शुगर बिल्कुल काजू खाने से नहीं बढ़ेगा। अब काजू में हमारे मिनरल्स भी होते हैं और जिंक होता है, कैल्शियम होता है और प्रोटीन होता है, हमारे दांतों के लिए और हमारे हड्डियों के लिए भी काजू बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे मेटाबॉलिज्म को यह क्या करता है, बढ़ा देता है और शुगर जो है उसको ब्लड में नहीं पहुँचने देता है, इस तरह शुगर में ये लाभदायक रहता है। अब कोलेस्ट्रॉल का होता है कि एनिमल प्रोडक्ट में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, काजू तो वेजिटेरियन है, वेज हमारा प्लांट प्रोडक्ट है तो इसमें तो कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है, और फैट 44% होता है। जबकि हमें यदि हम 300 mg डेली कोलेस्ट्रॉल यानी फैट लें तब भी हमारे बॉडी को एक्स्ट्रा नहीं होगा, क्योंकि 300 तक हम कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि हमारा ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल 75% कोलेस्ट्रॉल जो है वो कैसे बनता है, हमारे लीवर के द्वारा बनता है, 25% ही हम एक्सटर्नल सोर्स से लेते हैं। तो हमें यदि कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना है तो काजू लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल काजू में नहीं होता है। और काजू को कंट्रोल करना है तो हम जो डाइट लेते हैं उसमें हमको ध्यान देना पड़ेगा कि कार्बोहाइड्रेट डाइट ज़्यादा ना लें, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट डाइट जब जाएगी हमारे अंदर तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, इन तीनों चीज़ों को लीवर कन्वर्ट करता है फैट में, और ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल में वो बदल जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हमारी बॉडी में तब बनता है जब हमारे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, क्योंकि लीवर ही 75% कोलेस्ट्रॉल बनाता है और वही कोलेस्ट्रॉल हमारा ब्लड में इकट्ठा होके बढ़ जाता है, और हम जांच करवाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है। इस तरह देखा जाए तो काजू बिल्कुल हम यूज कर सकते हैं, काजू से ना तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और ना ही शुगर में कोई फ़र्क पड़ेगा। जितना कुछ हो सकेगा यदि हम एक लिमिट में काजू सेवन करते हैं, 5 से 10 काजू अधिकतम दिन में खाते हैं, तो हमें बहुत से हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे, हमारा डाइजेशन सही रहेगा, मेटाबॉलिज्म सही रहेगा, तथा शुगर बिल्कुल नहीं बढ़ेगा और हमें हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। तो आशा है कि हमारे वीडियो से समझ में आ गया होगा कि काजू के बेनिफिट्स क्या हैं, तथा शुगर में बिल्कुल हम ले सकते हैं, काजू से शुगर नहीं बढ़ेगा, काजू से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तथा चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।